विदिज विषयान् प्राश्य भोगान् सविष्टान् पश्चाचान्यान् स्वसति विभवान् ज्योतिषाशेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनि स्वात्मनि सावयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् निगडगुणगण पात्रशो चिंतन के फल स्वरूप मतलब अपने अवस्था के साथ ओंकार की मात्रा को मिला करके वास्तविक ओंकार और मात्रा अपार है। इस प्रकार भाव से मन को स्थिर क्रम से इस प्रकार भाव में मन को स्थिर कर दिए और यही मेरा स्वरूप है और यही मेरा स्वरूप है यहाँ मिलाना है। तब क्या हो जाएगा, पहले मात्रा और पाद का सहारा लेकर के विचार करते करते पहला पाद और पहला मात्रा को दूसरा पाद दूसरा मात्रा के साथ मिला दिया, फिर उसको तीसरा पाद तीसरा मात्रा में मिला करके और मात्रा पाद से रहित हो गया। जो मात्रा पाद में दिखाई दे रहा है ये हमारा कल्पना है। इस प्रकार से विचार करते व्यक्ति को क्या होता है कि अमात्रा अवस्था में पहुँच जाते हैं। यही चतुर्थ स्थिति है, ये सबसे उत्तम स्थिति है जब जिसमें कोई व्यवहार नहीं अव्यवहार नहीं, क्योंकि व्यवहार तो उसको होता है, व्यवहार तो उससे होता है इंद्रियों के द्वारा जिस वस्तु को हमने ग्रहण कर पाए और वो फिर मन में बैठे और फिर मन बुद्धि के माध्यम से फिर हम उसको व्यवहार करते हैं। परंतु जब इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं हो रहा है, मन उसको ग्रहण नहीं पा रहा, तो व्यवहार स्थायित्व हो जाता है। मतलब हाँ मैं करके तो व्यवहार होता है, मैं हूँ इस प्रकार व्यवहार तो होता है, परंतु उसको जो है लेना देना इस प्रकार की व्यवहार कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि व्यवहार नहीं जाता। क्यों? क्योंकि प्रपंच उपशमः सारा विस्तार जो है उसमें लय प्राप्त कर लेते हैं, अधिष्ठान में लय प्राप्त करते हैं। ये जो भेद रहित स्थिति ही सबसे कल्याणकारी स्थिति है जिसमें सजातीय विजातीय सब भेद कुछ नहीं है। इस प्रकार जो ओंकार है यही मेरा स्वरूप आत्मा, ये वही मेरा स्वरूप है। इस प्रकार जो जानता है संविशति आत्मना आत्माना, तो क्या होता है अपने द्वारा अपने को अपने में प्रवेश हो जाता है। स्वेन एव समात्माना, अपने आप अपने को अपने में प्रवेश हो जाते हैं। इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त करो कौन सा एवं वेद जो इस प्रकार उपासना करने को समझते हैं, इस प्रकार जान लिया है। तो इसका ऊपर हम लोगों ने भाष्य पढ़ लिया था। भाष्य की इस पंक्ति मंत्र लास्ट में जो है ना मन अच्छा ये बुद्धि संस्कार उन्होंने उसको पढ़ लिए थे, कल उसको छूट गया था। नहीं रज्जु सर्पयोर विवेके रज्जा प्रविष्ट सर्पो बुद्धि संस्कारा पुनः पूर्ववत तत् विवेकिना उत्थास्यति। मैंने दृष्टा को क्या बोला कि जिस प्रकार सुषुप्ति में जब हम जाते हैं सुषुप्ति में जाग करके फिर हम शरीर के सकारात्मक करके व्यवहार करते हैं, इसी प्रकार यदि उपासना के द्वारा हम आत्मभाव को प्राप्त भी कर जाएंगे फिर पुनर्जन्म फिर आवागमन फिर शुद्ध वही वचन बचा रहेगा। तो बोलते हैं नहीं नहीं यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे क्या होता है रज्जु सर्पयोर विवेके, रज्जु और सर्प का विचार पूर्वक पृथक भाव मन में जब बैठ जाता है तब क्या हो गया रज्जाम प्रविष्ट सर्प दृष्टांत रज्जु में प्रवेश करके जो सर्प मतलब रज्जु में लय प्राप्त कर गया जो सर्प तो क्या हो गया रज्जु ज्ञान के द्वारा जो ज्ञान बाधित हो जाएगा। बुद्धि संस्कारा मतलब पहले हमारे बुद्धि में संस्कार था कि यहाँ पे सर्प है, तो उस संस्कार के बदल पुनर्पूर्ववत पहला जैसा पहले हुआ था रज्जु को सर्प को देख रहा था, इस प्रकार तद विवेक के नाम उसका विवेक हो जाने के बाद इस प्रकार न उत्थस्यति ऊपर से न उत्थस्यति फिर इस प्रकार की ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता है ना। भगवान भास्कर इसी को समझाने के लिए जिस व्यक्ति को एक बार आँख को छू कर पता लग गया कि ये गर्म है वो कभी भी फिर वहाँ पर भ्रांति नहीं करेगी, जिसका अनुभव हो गया कि मेरा स्वरूप है वो फिर उससे भ्रांति नहीं होगी। यहाँ पे देखिए जो बुद्धि संस्कारा तद विवेक नाम है ना अफ्रीका में आ जाए इस पंक्ति का अर्थ कर रहे हैं पूर्ववत इति अविवेक अवस्थायाम इव
पूर्वा मतलब का जब अविवेक अवस्था में जो स्थिति थी, विवेक अवस्था में वो स्थिति नहीं होती, विवेक अवस्था भिन्न स्थिति होती है। पूर्ववत भाष्य में आया है ना, पूर्ववत तद विवेक नाम उत्थान सर्व, पूर्ववत का अर्थ कर दिया पूर्ववत यदि अविवेक अवस्थाया पीव, अविवेक अवस्था में जैसा होता था विवेक अवस्था में ऐसा नहीं होता। अच्छी बात है, तद विवेक नाम है ना, वहाँ पर भी आया हुआ है रज्जु शत्रु बुद्धि संस्कार पूर्ववत, उसके बाद आया तद विवेक नाम, पूर्ववत के बाद ही लगा, मतलब जिसका ये विवेक उत्पन्न रज्जु सर्व विवेक विज्ञानवतम, रज्जु और सर्व का विवेक जिसके अंदर विशेष रूप में ज्ञान उत्पन्न हो गया। रज्जु अलग वस्तु है, सर्व अलग वस्तु है, रज्जु अधिष्ठान सामने दिखाई पड़े, सर्व हमारे मनोकल्पित है, सामने अधिष्ठान का पूरा शुद्ध ब्रह्म है और ये जगत हमारी मनोकल्पित है, इसीलिए वो ब्रह्म के ऊपर जगत दिखाई पड़ता है, ये निश्चय हो जाता है, है ना, दिखाई पड़ेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बुद्धि प्रकृति मात्र है। इसके बोलते हैं रज्जु सर्व विवेक विज्ञान बता, विवेक विज्ञान बता मिति जागरूक हो गया आपका विवेक नाम। फिर उसके पहले आया हुआ बुद्धि संस्कार, बुद्धि संस्कार आप उसको लेकर के देखिए आपको बुद्धि शब्द ना सर्व भ्रांति भी जाती, जो पहले भ्रांतात्मक जगत आपको दिखाई पड़ रहा था वो अभी संस्कारित हो गया है ना, इसके फल छोड़ पहले जो संस्कार था वो संस्कार बदल ही, यह अमर मतलब चित्त भूमि संस्कार कहाँ रहते हैं, चित्त भूमि, वो चित्त भूमि का संस्कार जब तक नहीं बदलता है तब तक हम जगत में सब तक नहीं करते हैं, वो संस्कार वही साधन है। तो दो नंबर टिप्पणी बोल बोल रहे हैं सजातीय भ्रमांतरस्य प्रमाउत्थ संस्कार जन्यतम सूचयन व्याचे, सजातीय भ्रमांतर एक सजातीय भ्रम मतलब जैसे यहाँ पे कोई भ्रांति किया तो राज्य से आपको देखा जाएगा विशुक्ति का जब देखा ये सजातीय भ्रम हो गया, भ्रमस्थ प्रमाउत्थ संस्कार जन मतलब एक बार यदि आपको प्रमा से उत्पन्न हो गया संस्कार कि नहीं नहीं वहाँ पे जो दिखाई देगा तो भ्रांति है, तो फिर आप दोबारा यदि कहीं पर मान लीजिए सबको दिखाई भी दे आपको भ्रांति नहीं होगी, अतः आपको डरेंगे नहीं, ठीक है कोई बात नहीं देखता हूँ क्या है वहाँ पे ठीक, क्योंकि हमको याद है कि हमने वहाँ पे ठीक से दृष्टि नहीं दी थी इसीलिए हमें भ्रांति हुई और हम दुख भुग रहे थे, अब हमारा विवेक उत्पन्न हुआ तो हम ठीक से देखना सीख गए, अब हम ठीक से देखेंगे वास्तविक वहाँ पे क्या था, कि कहीं पर सत्तत्व बुद्धि होने पर फिर जैसे ही हम ठीक दृष्टि डालेंगे तब फिर हम सत्तत्व बुद्धि, इसलिए हमें बोलते हैं कि बुद्धि सजातीय भ्रमांतरस्य प्रमाउत्थ संस्कार जन्यतम, उसको सूचित करते हैं व्याख्या करते हैं कि बुद्धि संस्कारादिति अत्र यहाँ पे बुद्धि शब्द है ना सर्व भ्रांति से अविवेक के कारण जो हो रहा था उसमें आगे भ्रम, अब जो है देखिए पहले सबसे उत्तम अधिकारी के लिए क्या बोला अयमात्मा ब्रह्म, मध्यम अधिकारी के लिए क्या बोला स्वयं आत्मा चतुष्पद, अब अधम अधिकारी के लिए क्या बोला कि प्रणव उपासना, प्रणव आकार उकर्म आकार लेकर उपासना करना, अब इस अधम अधिकारी भी इससे भी जो नीचे है उसको भी नहीं छोड़ रहे, उसके अंदर ये योग्यता कैसा उसको भी छोड़ नहीं रहे भगवान भाष्यकार, भगवान भाष्यकार उसके अंदर योग्यता कैसा है उसको मन में रखते अगला भाग भाष्य में ऐसा नहीं ये जो है ये वेदांत की सबसे बड़ी सुनता, किसी को अधिकारित्व से ज्ञान प्राप्ति से किसी का अधिकारित्व को नहीं सुना, और ज्ञान प्राप्ति के लिए इस यहाँ से देखिए कैसे कैसे बोले मंद मध्यम भियाम, मतलब उपासक में जो उत्तम अधिकारी था उसके लिए तो हो गया, अब मंद अधिकारी और मध्यम अधिकारी, मंद अधिकारी मतलब वो कर्म करना ही अच्छा लगता तो शास्त्री का बात सही नहीं, और मध्यम अधिकारी कौन है कि कर्म भी करता थोड़ा थोड़ा मुकाम नहीं निकलता थोड़ा भगवान की चिंता भी करते हैं, ये मंद और मध्यम अधिकारी उपासक की कोटि में था, उसके अंदर का थी आप प्रतिपन्न साधक भक्ति से इम्पोर्टेंट, अब हमें मतलब साध्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो साधन हम करते हैं जो व्यक्ति करते हैं उसको बोलते हैं साधक, साधक मतलब अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो साधक उसको साधक बोलेंगे ना, तो सामान्य रूप से तो कहते हैं व्यक्ति है, परंतु अपने अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिए शास्त्र अथवा गुरु निर्दिष्ट मार्ग को अपना करके जो साधन करते हैं उसको बोलते हैं साधक, ये साधक अब क्या होता है शास्त्र निर्भरता गुरु निर्भरता आ जाता है बिल्कुल, इसे बोलते हैं प्रतिपन्न साधक भावना, जिसने साधक भाव को प्रतिष्ठ रूप में प्राप्त कर लिया, साधक भाव को प्रतिष्ठ रूप से प्राप्त कर लिया, मध्यम अच्छा मध्यम बुद्धि वाला को इस स्टेज में आना पड़ेगा, गुरु को मान लिया, देख एक जगह पे मैं बताता हूँ आपको, मतलब एक परंपरा से सुना हुआ है यही मैं बोलता हूँ, बताते हैं कहाँ आप बोले कहाँ पर हमारा जी हम जो गुरुमुख से सुना है उसी को मैं बोलती हूँ, सुना रहते कि प्रतिपन्न भाव क्या होता है, एक जगह पे एक बालक गुरुकुल में आया, गुरुकुल में आया
तो एक दिन रात को गुरु जी के साथ अच्छा धीरे धीरे संबंध बढ़ना है, गुरु को क्या करना है। एक दिन रात को बेचारा सोया हुआ है, उस समय देख रहे हैं गुरु जी एक चाकू लेकर उन्हें गला काट, नहीं नहीं वो जग गया, जग गया तो वो कुछ नहीं, वो जैसे ही देखा इसने कि गला पूरा काट दिया, थोड़ा सा पेट में काटा उसका थोड़ा लगा तो लगते थे वो चुप 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 आँख खुलते देखा सामने गुरु जी हाथ जाए और फिर आँख बंद करके सो गया। फिर जो है सो जाने के बाद उठा सुबह, जैसे भी सुबह उठा तो गुरु जी उसको पूछ रहे हैं कल तूने देखा कि मैं चाकू से तुम्हारा गला काट फिर कैसे सो गया। तो बोलते जब मैं देखा कि आप जगे हुए तो फिर मेरे को क्या तब गुरु जी को समझाया। अच्छा तब हमको समझा रहे देखिए क्या प्रारब्ध कैसे काम करता है, मजाक बात नहीं है। एक सर्प को उसने पहले किसी जन्म में मारा था, उसका प्रारब्ध में लिखा हुआ था सर्प उसको दंशन करके उसका गले का खून पिएगा। तो जब सर्प आया तब गुरु जी ने उनको रोका, लगे हुए थे तो बोलते तुम कहाँ, बोलते आप इस समय इसका प्रारब्ध में है कि अब मैं उसका गले का खून पीके मरेगा। तो बोलते हैं कि तुमको यदि इतना ही है इसको गले का खून पीना है ठीक है कोई बात नहीं मैं व्यवस्था करता हूँ, हम इसको जो दंशन मत करो। तब उसने गला काट के थोड़ा पत्ते के माध्यम से उसको जो कितना पीना है शिक्षा शिष्य को बोल रहा है कि ये तुम्हारा प्रारब्ध की समाप्ति था। प्रारब्ध उस समय क्या है कि भगवान ने उसको भेजा था परंतु उसका प्रारब्ध इतना लिखा हुआ था इसका खून पिएगा वो, मतलब जो जो अपने आप मुँह लगा के पीता तो क्या होता है उसका जहर भी उसको प्रवेश करता मरता, उतने से बचा। अब ये जो अब बाकी हाँ उतने से बचा दिया है तो यहाँ पे क्या है कि ये प्रतिपन्न साधक भावना हमारे अंदर एक साधक की वृत्ति, शास्त्र ने जो बोला गुरु जी ने जो बोला यही मार्ग है प्रतिपन्न इस भाव को प्राप्त करना स्थिर प्रतिष्ठ रूप से पन्न चारों तरफ से भाव को प्राप्त हो जाए पद धातु है टू अकम्प्लिशमेंट मतलब अपने अंदर एक साधक की भाव को पूर्ण रूप से जागृत कर देना। और साधक की बात क्या है शास्त्र ने हमारे लिए गुरु ने हमारे जो साधन को कहा यही हमारी एकमात्र मांग है। गुरु वेदांत आपके पे श्रद्धा पूरा पूरा व्यक्त बिल्कुल निछावर रूप में टोटल कमिटमेंट सरेंडर ये है प्रतिबंधित। भगवान महाशंकर बोल रहे देखिए पहले क्या बोला मंद मध्यम अधियम मंद मध्यम बुद्धि होने पर भी आप उत्तम अधिकारी में पहुँच सकते हैं। फर्स्ट आपके आप अपने अंदर एक साधन की योग्यता लाओ एक साधन की योग्यता वहाँ पे आना पड़ेगा शुरू में नहीं होता दस्य में कथित अर्थे प्रक्षते महात्मा। अब फिर क्या बोलते हैं सन्मार्ग गामी नाम यहाँ पे योग वाशिष्ट में साधक के लिए जो योग्यता बताया गया ना साधक के अंदर क्या गुण होना चाहिए उसमें तीन गुण आर्यता रिद्धता स्निग्धता आर्यता रिद्धता और स्निग्धता आर्यता हृदयता और स्निग्धता। आप साधक हैं आपको देख करके भी यदि पहले जैसे होता था मैं कि साधु को देख करके हमने प्रेरणा होता पीड़ा होता था प्रेरणा होता था कि हम भी यदि साधु बनते तो कितना अच्छा होता उसका जीवन देखो। आजकल हमको देख कर किसी को नहीं होता ही नहीं क्योंकि हमारे अंदर जो होता ही नहीं आ रहा ये जो है ना आर्यता हाँ ईश्वर पुत्र आर्य अपने आप लिखते हैं हम अपने अंदर ये भावना लगा मैं साक्षात भगवान भगवान मेरा पिता ईश्वर मेरा पिता है रोज बोलता हूँ तमेव माता च पिता च तमेव सर्व परंतु मन में भावना नहीं आता मुंह से बोलते हैं ये भावना लाना है। देखो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता बोलते हैं कि माता हम अस्य जगत पिता धाता पिता मवेदम पवित्र मंकर वृक्षम जगदेव पिता हम अस्य जगत माता धाता पिता मवेदम पवित्र मंकर अपने आप बोल रहे हैं यानी कि ये ईश्वर पुत्र। अब देखो उपनिषद क्या बोलता है सुनना दूर विश्व अमृत पुत्र ये अपने अंदर पहले ये आर्यता लो आप ईश्वर के पुत्र है मतलब क्या है मैं उनका बेटा हूँ मैं मिनिस्टर का बेटा हूँ और अपने आप जो है मतलब क्या है कि उसके ईश्वर के अंदर जो गुण है सर्वभौमत्व अथवा सबके प्रति समान भाव ये उनको मर्यादा उस मर्यादा को आपके बोध हमारे अंदर पहले जागृत होना चाहिए। मैं भगवान का सीधा संतान हूँ तो भगवान की हमारे किसी व्यवहार से जैसे हमारे किसी व्यवहार का हमारे पिताजी का मर्यादा क्षुण्ण ना हो ये भावना होता है ना एक दूसरे संक्रांत परिवार में आया हुआ व्यक्ति उसके अंदर क्या होना चाहिए कि हमारी किसी व्यवहार से हमारे परिवार की मर्यादा क्षुण्ण ना हो। जब अपने अंदर ये आर्यता की भाव आएगी क्या बात है कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ हमारे मन देखा ईश्वर की मर्यादा कभी भी हमारे शरीर के द्वारा क्षुण्ण ना हो कभी मैं उसका अतिक्रमण ना करूँ ये हो गया आर्यता चाहिए वेदांत शिष्य की ये शिष्य भाव का प्रतिपन्न साधक भाव ना होना ये नेक्स्ट हो गया विद्यता। विद्यता क्या होता है
कि किसी जगह पे किसी व्यक्ति को आपने परेशान देखा, तो उस समय हमारे साथ क्या इस प्रकार अवस्था में मैं आता तो मुझे मेरे साथ कैसे व्यवहार करने से मेरा ठीक लगता, ठीक है ना। उस प्रकार की उनके साथ बर्ताव करना, उसके साथ विविधता, किसी के साथ अपने हृदय के साथ व्यवहार करना। योग दर्शन में छोटा सूत्र बताया ना यहाँ पे, देखिए कि चित्त प्रसन्नता कैसे आता है, मैत्री करुणा मुदित उपेक्षाना पूर्ण पूर्ण सुख दुख भावाना विषयतः चित्त प्रसन्नता। ये हृदयता को एक श्लोक में बोल दिया, शायद प्रथम अध्याय में साधन पद में आया था, जो बोला है मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाना पूर्ण पूर्ण सुख दुख भावाना भावनत विषयाना भावनत चित्त प्रसन्न। पूर्ण पूर्ण सुख दुख मतलब किसी को आपने देखा कि बहुत पुण्यवान व्यक्ति है, पुरुष गुण है, तो आप उसके साथ एक मैत्री भावना होना चाहिए, एक मैत्री भाव, मित्रता की भाव। अच्छा अपुण्य दिखाई दे रहा है, अरे ये लोग मतलब ये पुण्य कर्म नहीं करता, धर्म कर्म नहीं करता, करुणा होना चाहिए, भगवान इनको सद्बुद्धि दो, भगवान इनको सद्बुद्धि दो, अपनी तरह भाव अपनी तरह मूड होना। कोई किसी को सुखी देख रहे हैं मैत्री को मुदित, तो अपने को सुखी होना अनुभव करना, ये रिद्धता इसको लाने के लिए। हम देखिए बोला ना, मैं बार बार बोलता हूँ, हमारी परंपरागत तो टीचरों की शब्द अलग है किंतु भाव एक। मैत्री मतलब मित्रता की भाव, मतलब ये नेचर ऑफ फ्रेंडशिप, मतलब बी हैप्पी विद दैट, उनकी खुशी देख कर तुमको भी खुश होना चाहिए ये। और यदि उसको दुखी देखते हो तो उपेक्षा करो, अथवा अपने भी दुख लोग करके उसका दुख मिटाने के लिए भगवान से प्रार्थना करो। इस प्रकार भावना यदि मन में हमारा उत्पन्न हो जाता है तब चित्त हमेशा प्रसन्न रहता है, ये अभिन्नता। ये बुद्ध नहीं, महर्षि पतंजल का सूत्र है, योग सूत्र होता है, साधन पद में आया हुआ कि चित्त प्रसन्नता के बिना साधन नहीं होता। तो चित्त प्रसन्नता को कैसे बना के रखेंगे, वो अच्छा तो मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गया, दुख उत्पन्न हो गया, इससे साधन थोड़ी होगा। ये हृदयता, ये लोग वशिष्ठ में इसको हृदयता शब्द, एक सूत्र को एक शब्द के द्वारा कहा हृदयता। और दुष्चतिष्ठा है स्निग्धता, स्निग्ध मतलब ये स्नेह धातु है, अफेक्शनेट, बी अफेक्शनेट टू एवरीवन, स्निग्ध बनता है, स्निग्ध बनता है ना, अफेक्शन है उसकी जो भाव, स्नेह धातु है टू बी अफेक्शनेट मतलब क्या, नॉट टू अट्रैक्टिव अथवा नॉट एट अ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट बट अफेक्शन, मतलब एक स्नेह के साथ करता हूँ, कहीं भी किसी को दुख देखना, किसके साथ व्यवहार करना, तो जैसे अंदर से स्नेह भाव उसके प्रति प्रीति भाव अपने आप में करके आ जाए। यदि हम साधकों के अंदर ये भाव अपने आप आता है तो दूसरे को भी इसको देख कर देखो इस व्यक्ति दो साल यहाँ आया कितना भाव में परिवर्तन हो गया, तो उससे दूसरे भी प्रेरित होते हैं। जो बस ये कर रहे एक साधक जीवन को आप दूसरे को प्रेरित करने के लिए अपने अंदर क्या चाहिए, ये तीन योग्यता को लाने का कोशिश करो, वो तुम्हारे अंदर है। आर्यता ईश्वर पुत्र आर्य स्निग्धता और स्निग्धता, हृदयता मतलब हृदय से व्यवहार करना, स्निग्धता मतलब व्यवहार मतलब जैसे मैं किसी परेशानी में हूँ इस समय मेरे साथ कोई व्यवहार करे तो कैसे करता, वो चित्त आत्मवत सर्वभूतेषु, इस प्रकार जैसे सब भूत में अपने को देख करके जैसे व्यवहार होता है ऐसा करता, और स्नेह के साथ व्यवहार, स्नेह के साथ व्यवहार। तो ये अच्छा, मान लीजिए आपके व्यवहार को देख करके कोई व्यक्ति आपका दुर्बलता को सोचते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उनकी भावनाएं बदल, कोई व्यक्ति सोचते हैं देखो अरे ये मैंने इसकी दुर्बलता है ये ऐसा करता, परंतु वो बात नहीं है, हमने क्योंकि हमारी परंपरा की गत मर्यादा को बना के रखने के लिए शास्त्र ऐसा निर्देश दिया, हम सबके साथ समान रूप से व्यवहार करें। देखो यहाँ भी भगवान भाष्कर इसे बोला प्रतिपन्न साधक भावानाम, तो साधक भाव आपको लाने के लिए हमारे अंदर क्या लाना पड़ेगा, आर्यता हृदयता स्निग्धता, जो वशिष्ठ की कथा है ये तीन चाहिए। फिर बोलते हैं सन्मार्ग गामिनाम, सत मार्ग मतलब जिसके ऊपर हम चलते हैं, जिसके ऊपर हम चलते हैं, और वो क्या है सत, देखिए सत चार प्रकार से सत होता है, आप देखना ये हमारे बोलते हैं भगवान भाष्यकार कहाँ पे विवेक भजो गोविंद, सत्संगते निस्संगते, निस्संगते निर्मोहत्तम, निर्मोहत्ते निश्चल निश्चलत्तम, निश्चलत्ते जीवन मुक्ति, भजो गोविंद गोविंद। ये सत क्या होता है, ये पहले होता है सत का चार स्टेप है, हमेशा बाहरी सत्संग करो, सब व्यक्ति के साथ संग है ना, सताम संग विभेषजम, संग सर्वथा त्यक्तव्यम, आसक्ति तो हर जगह पर छोड़ना है आपको,
यदि त्याग तुम न सकते, यदि तुम ये त्याग नहीं कर सकते, सताम संगम सद्वि सह तत् कर्तव्य, सत्पुरुष के साथ वो करना चाहिए, सद्वि सह तत् कर्तव्य। कस्मा सताम संगम भेषजम, सत्पुरुष के साथ संग करना वो आपकी इस संसार की दवाई, भवरोग की दवाई है, भवरोग की दवाई है। फर्स्ट क्या हो जाएगा, हमको सत बाहरी सत्संग को करना पड़ेगा, सत व्यक्ति के साथ, अच्छे व्यक्ति के साथ, हमारे साधकों के साथ, हमारे कंपनी बना कर रखना पड़ेगा। तो असत व्यक्ति, गृहस्थी व्यक्ति अथवा विषयी व्यक्ति, उनके संपर्क से थोड़ा सा बचना, ये होगा पहला सत्संग। इस सत्संग का फल क्या होगा, इस सत्संग का नेक्स्ट स्टेप होगा, धीरे धीरे हम अपने अंदर भी सत असत दो प्रकार की वृत्ति होती है, दो प्रकार की हमारे अंदर एक उपनिषद भाष्य का लिखा अपने आप, इसको जो अपने मन है, आप अपने अंदर एक तरफ झांकोगे तो क्या देखोगे कि काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या घृणा विद्वेष परस्य प्रातरता, ये सब जो है दुष्ट वृत्तियाँ, कुवृत्तियाँ हैं। परंतु वही मेरे अंदर एक दूसरा मैं भी हूँ, मैं अहिंसा मैत्री प्रेम करुणा क्षमा निश्चरता सेवा, ये वृत्ति भी है मन में, है कि नहीं, सभी के अंदर है। जैसा जैसा बाहर सत्संग करते जाएंगे वैसा ऐसा क्या होगा, हमारे अंदर की सब वृत्तियों का भी, यदि ये हो रहा है तो हमारी बाहरी सत्संग का लाभ हो, तो हमारी बाहरी सत्संग, ये जो हम लोग सुबह उठकर के सत्संग, एक ये भी एक सत्संग है, सत्व है, इससे अंदर पहला क्या स्टेप होगा, बिल्कुल नपुण नवीन, जिसके अंदर पहले से है उसको आगे स्टेप बोलना है, जो नहीं है पहले इस चीज़ का भी व्यक्ति होना चाहिए, है ना, जो इसका विपरीत। और मनुष्य में स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है, वो असत वृत्ति असत संग में स्वाभाविक मान जाना चाहते हैं, उसका संगति भी आपको अधिक मिल जाए, उससे अपने को ऊपर उठाना, इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। जिस प्रकार हमारे अंदर सत्संग है मतलब अच्छा संस्कार है, एक छोटा सा सरसों की तरह, और असत्संग कुछ संस्कार हो सकते हैं अधिक मात्रा में, परंतु जैसे एक छोटा सा पेड़ को आप बचाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, एक मेड़ लगाते हैं, ठीक है ना, इसी प्रकार से आपके स्वत संस्कार को बचाने के लिए सत्संग की मेड़ लगाते हैं, तब क्या हो जाता है, सब व्यक्ति के साथ संपर्क, सब चिंता, सब भावना, सब मतलब मनोवृत्ति हमेशा बना, एक संगमार्ग गामी नाम को लेकर मैं बोल रहा हूँ, ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप जब होगा तब फिर थर्ड स्टेप में आएगा वास्तविक संख्या में सत्य वस्तु क्या है ना, त्रिकाल अवधत्तम सत्यत्तम, उसी को सत्य बोलते हैं, वास्तविक संख्या में सत्य वस्तु क्या है, ठीक है ना, तब अपने अंदर स्वरूप आत्मक जो सत है उसके साथ धीरे धीरे संस्पर्श होगा। भाषा का क्या बोला भगवान स्वामी, ये विवेकान भज गोविंद में सत्संगते निसंगते, ये हमारी मन की नहीं है, भगवान सत्संगते निसंगते क्या हो जाएगा, पहले आपका बाहरी संसर्ग से असत्संग से संपर्क जुड़ेगा, सत्संगते निसंगते, निसंगते निर्मोह, निर्मोह क्या है, यदि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य इसका जुड़ जाएंगे, ठीक है। आप देखिए मैं थोड़ा सा खोल रहा हूँ, बोल गया भगवान भाष्यकर इसको गोविंद में, तो सत्संगते निसंगते निसंगते निर्मोहते निर्मोहते निश्चलते निश्चलते, मतलब अब जब मोह आपका उपयोग किया तो मन सत की अनुसंधान में रहता है, एक सत वस्तु की चिंता में रहता है, निश्चलते, फिर जब अंतिम सत में सन मार्ग में चलने लगते हैं तब क्या होता है, जीवन मुक्ति, फिर बस इसी इसी ज्ञान प्राप्त होने से अंतिम जीवन मुक्ति, मतलब क्या, सत के साथ आपका संबंध हो गया, सत सत में पहुंच गया, ये हो गया पूरा सन्मार्ग गामी नाम में, ये चीज छुपा हुआ है। महाराज जी कृष्ण जो सुबह हम पाठ सुनते हैं इसको सत्संग बोलते हैं, और सत आदमी का संग करने से भी सत्संग बोलते हैं, इसको क्यों सत्संग बोलते हैं, पाठ सुनने को इसको हम स्वाध्याय बोलते हैं, सत क्योंकि आप ये यहाँ पे सत विचार कर रहे हैं, सत के साथ संग्रह मन और बुद्धि का संपर्क किसके साथ हो रहा है, आपका मन और बुद्धि का संबंध किसके साथ हो रहा है, आत्मा ब्रह्म ईश्वर इसी के साथ विचार करते हैं, यही सत्संग बोले, यही तो है सत्संग, क्योंकि इस एक घंटा समय जो आप टोटली आंख नाक कान पूरा एक जगह पे कंसंट्रेट हो रहा है, आपका सारा इंद्रिय मन और उसके साथ मनोवृत्ति, क्या इस यहाँ पे क्या भगवान शंकराचार्य बोलना चाह रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ यही सब चीज है, मैं भाग सकता हूँ यहाँ से सीधा छन मार, क्या बोलना चाहते हैं भगवान शंकराचार्य, वो चीज हमको समझना है क्या बोलना चाहते हैं, देखा था सो आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट थिंग इन माय लाइफ, आई विल स्ट्राइव फॉर दैट, जब ये इस मार्ग में आए तो हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। दो शब्दों जब इस स्थिति में आप सन मार्ग में चलने लग जाएंगे
तब क्या बन जाएंगे आप? संन्यासी ना। तब ये जो है तब संन्यास हो जाता। मैं वहाँ पे बोला था उस दिन सम और नी दो उपसर्ग पूर्वक अस धातु से आपका निणि प्रत्यय होता है। नंदी कहीं प्रचार दिव्य निणि तो आएगा था है। उसे निणि प्रत्यय इन होता है। अस धातु से कौन सा प्रत्यय? दो दो उपसर्ग है सम और नी और उसका अस धातु निणि नकार इत होता है उसका, मतलब इन बचता है उसका, इन बचता है तो संन्यासीन प्रातिपदिक बन जाता है। संन्यासीन प्रातिपदिक बनता है। फिर उसका षष्ठी बहुवचन की कौन सा षष्ठी बहुवचन आ रहा है? आप लगा हुआ है मंद मध्यम धीम। देखिए कैसे कैसे सामान्य अधिकारी को भगवान भास्कर उत्तम अधिकारी तक पहुंचा रहे हैं। ये चीज विचारणीय है। यहाँ पे ये चीज को हमको ध्यान देना है। भगवान भास्कर मंदम मध्यम धीम मंदम मध्य अधिकारी को कैसे आत्मज्ञान प्राप्ति की योग्यता तक पहुंचना है इसको लेकर के बोलते हैं मंद मध्यम धीम तू प्रतिपन्न साधक भावना। पहले हमारे अंदर क्या आना चाहिए? मैं एक साधक हूँ, मैं अपने लक्ष्य को स्थिर करके उसको प्राप्ति के लिए जो साधन के लिए मैं लगा रहूँ यही साधक बना है। फिर क्या होगा कि हम सत्मार्ग में चलने लगेंगे। जैसे हम साधक बन जाएंगे तो हमारा मार्ग क्या होगा? सत्मार्ग। अब सत का स्टेप है मैं बताया आपको एक के बाद एक। पहले बाहरी सत्संग हो, फिर अंदर सत्संग हो, फिर पूर्ण सत्संग हो, फिर सत के साथ एक हो जाए। जब इस अवस्था में तब क्या हो जाएगा? सन्यासी ना। ये सन्यासी क्या है? अपनी कर्तृत्व भोक्तृत्व इसका और जो परिचिन्न तो इसका पूर्ण रूप से त्याग हो जाना, यही हो गया सन्यास। ठीक है ना? इसको सन्यासी नाम सम और नि सम्यक रूप से निशेषेण सम्यक रूपेण निशेषेण अस्यति इति सन्यासी। सम्यक रूपेण निशेषेण अस्यति इति सन्यासी मतलब विचार पूर्वक विदाउट कीपिंग एनी रिमाइंडर अबैंडनिंग एवरीथिंग दैट इज रियल सन्यास। न्यास मतलब क्या? न्यास न्यास यही है। नी उठ के और यार शाम को पोषण बने लगा न्यास लगा है। ठीक है, ये हो गया। ये वस्तु संन्यास अलग जगह पे है परंतु वास्तविक संन्यास इसका क्या वस्तु है? ये है कट्टी जो होता है सन्यासी नाम। इस प्रकार देखिए कैसे धीरे धीरे एक साधक को टॉप लेवल में पहुँचा है। चार शब्दों तक मैं आसानी से भाग सकता था यहाँ पे, इसलिए मैं बोला आज रहे तो कल नहीं पढ़ूँ, कल पढ़ूंगा इसको। कि केवल इसी पंक्ति के ऊपर यह विचार करते जाइए क्या कहना चाहते हैं भगवान भास्कर, कैसे हम धीरे धीरे अपने जीवन में भी इस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। मंदम मध्यम सबसे मंद अधिकारी है, कोई बात नहीं, केवल कर्म करना चाहता, फिर भी हम धीरे धीरे हमारे लिए रास्ता खोल दे भगवान भास्कर। फिर क्या हो जाएगा? मात्रानाम प्रादानम च क्लिप्त सामान्य विधान आप उपासना करने लग जाएंगे। आप जब हरी वस्तु सब त्याग हो गया कर्तृत्व तब क्या हो जाएगा कि हमारी जो ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति बात है और ओंकार के आलम्बन में हम चिंतन करेंगे। ओंकार की तीन मात्राएं अकार उकार मकार, इसके अंदर जो एकत्व बुद्धि ये अभिन्न है और फिर एक ओंकारी पारमार्थिक का जिसमें मात्र नहीं है, ये धीरे 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 वहाँ पर पहुँचेंगे। इसलिए बोलते हैं मात्रानाम पादान। क्योंकि देखिए कि पहले जो बोल करके आया था उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकारी अधम अधिकारी, अधम अधिकारी को अकार के सुन भगवान भाष्यकार क्या अधम का भी अधम से अधम ये मंदर मध्यम मतलब अधम में जो उत्तम है उसके लिए ओंकार के भी। अब हमको वहाँ तक पहुँचाने के लिए रास्ता बोल रहे उपासना करने कब उपासना करने के लिए मन लगेगा, साधन करने के लिए मन कब लगेगा, ये जो है इसको यहाँ इसलिए भगवान भाष्यकार एक एडिशनल रास्ता खोला हमने शाम। क्योंकि उनको तो आगे दिखाई देता है आगे साधक कैसे आ रहा है, ये साधक का तो भाव को पहले अपने अंदर लाना है। इसलिए आप बोलते हैं मंद मध्यम अभियान तू परंतु तू मतलब क्या? ऊपर के अधिकारी से व्यवहित करने के लिए बीच में तू पद दिया है, तू पद दिया ना, पर ऊपर जिन अधिकारी उससे अलग दिखाने के लिए। इसे प्रतिपन्न साधक भावान सन्मार्गामी नाम सन्यासी नाम मात्रानाम पादानाम च कृत्य सामान्य विधान। ये मात्रा और पादाओं में जो समानता है उसको आप जानना शुरू हो गए एकत्र को समझ। अब क्या हो गया? यथावत उपास्य मान है ना, इस प्रकार इन लोगों ने जो इस जैसा यहाँ पे कहा गया यथावत उपास्य मान जैसे यहाँ पे उस प्रकार उपासना करते हुए सन्यास उपासना करते हुए क्या होता है? ओंकार ब्रह्म प्रति प्रत्यय अरे ओंकार क्या होता है? ब्रह्म बोध में आलम्बन बन जाता है। कि ओंकार क्या होता है? ओंकार ब्रह्म प्रति प्रत्यय ब्रह्म भाव को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म प्रति प्रत्यय मतलब ब्रह्म भाव को प्राप्त करने के लिए आलम्बनी एक आलम्बन जैसा है ना। ये ओंकार उपासना लगभग सभी उपनिषद में कुछ ना कुछ आया हुआ है। सबसे अच्छा रूप में ओंकार उपासना की वर्णन किया हुआ छोटे में
मुंडक उपनिषद पंचप्रश्न पंच प्रश्न नहीं मुंडक उपनिषद में ऐसा कहा प्रणव धनु सर्वि आत्मा ब्रह्मतम लक्ष्य उच्चते अप्रमत्तेन बद्धव्यम सर्वतन्मय भवे प्रणव धनु ओंकारिक धनुष है पर सर्वि आत्मा जीवात्मा जो है ना वो आपको है धनु प्रणव धनु सर्वि आत्मा वो आत्मा है मतलब सर है एरो ब्रह्मतम लक्ष्य उच्चते हो गया ब्रह्म भाग उसका लक्ष्य है प्रणव रूपी धनुष में आत्मा रूपी तीर को बैठा के ब्रह्म रूपी लक्ष्य तक फेंकना है ना प्रणव धनु सर ही आत्मा ब्रह्मतम लक्ष्य उच्चते हम तो कैसे लक्ष्य में पहुंचेंगे अप्रमस्ते न मध्यव्य साधन में प्रमाद नहीं करना साधन में प्राप्ति नहीं करना प्रतिपात्र शब्द अप्रमस्ते न मध्यव जब उसका मिल जाएंगे आप जब आप धनुष को अपने धनुष से तीर को फेंका लक्ष्य में और लक्ष्य में जाके विजित होकर के लक्ष्य के साथ एक हो जाता है एक भाव को प्राप्त करते थे प्रणव धनु सर्व ही आत्मा ब्रह्मतम लक्ष्यम उच्चते अप्रमत्तेन बोध्यम सर्वत तन्मय भवे जैसे सब जाकर मिल जाएगा तो उतर ब्रह्ममय हो जाएगा इसलिए ब्रह्म प्रतिपत्तये है ना ब्रह्म प्रतिपंकार आलम्बन कर दिया वहाँ पे आलम्बन आलम्बनी भवती इच्छुक प्रत्यय शब्द है वास्तविक उस ज्ञान के लिए कोई आलम्बन नहीं है ज्ञान के साधन से प्राप्त नहीं होता यहाँ पे केवल साधन के अंदर दिखाने के लिए यही साधन का अवलंबन करके चलो जो ज्ञान के साधन से बाहर क्योंकि लोग प्रत्येक शब्द को प्रयोग करने के लिए मैं इसको नहीं कहना चाहता था मैं सोचा कि समय बोलूंगा तो फिर बोलेंगे तो साधन करके क्या हो ये ज्ञान सारा साधन से परे है ज्ञान साधन से प्राप्त नहीं होता साधन से केवल अंतकरण शुद्धि होती है उसके हुए बिना होगा नहीं ज्ञान तो स्वयं प्रकाश है इसलिए आलम्बन चुई प्रत्यय लगे होना आलम्बन ही होगा फिर वहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि उसी उपनिषद में आगे जाकर के बोलते हैं उसी उपनिषद में आगे थे वहाँ पे क्या बोला धनुर्गृहित औपनिषद सर्व ही उपासनिषित संधहित आयाम तदभाव गतेन चेतस आयाम तदभाव गतेन चेतस लक्ष्य तदेव अक्षरम सौम्य विद्धि धनुर्गृहित औपनिषद प्रणव धनु उपनिषद में कहा गया है केवल उतना ही और जो भी कुछ साधन है उसको धनुष रूप का अवलंबन करो धनुर्गृहित औपनिषद महास्त्र महास्त्र है धनुर्गृहित औपनिषद सर ही उपासना है सर क्या है पहले तो बोला था जी पर उपासना उपासना के द्वारा तीक्षण कर लिया गया जिसका मन शुद्ध हो गया सर ही उपासना संग्रहित उस रूप में लगाओ अब क्या करना पड़ेगा आपको आपने धनुष के ऊपर अपने सर को लगाया खींचोगे कैसे अपने भाव कर आयाम मतलब खींचने योग्य है कैसे भाव गति न चेतस भाव के द्वारा मतलब इस परमात्मा भाव का अनुभव प्राप्त करना उनके प्रति टोटल कमिटमेंट सरेंडर ये बार बार मन में आना आयाम तद भाव गति न चेतस लक्ष्य तदव अक्षरम लक्ष्य वही अक्षर तत्व है हे सौम्य विधि हे प्रियदर्शन उसको वेदन करो ऐसा करके प्रणव उपासना के मुंडक उपनिषद में दो मंत्र लगातार आए उनको कहते हैं द्वितीय द्वितीय प्रथम कर्म भी साधन के होता है ये जो ब्रह्म ओंकार ब्रह्म प्रतिपत्ति आलम्बन ही भगवति ओंकार ब्रह्म भाव को प्राप्त करने में आलम्बन जैसा बन जाता है आलम्बन ही भगवती ब्रह्म भाव हमारी स्वाभाविक स्थिति है ब्रह्म भाव को यदि हम किसी साधन के द्वारा प्राप्त करते ना तो फिर वो अन्न को अन्न फल की तरह अनित्य ही होता फिर हम अपने भाव में आ जाता इसलिए ब्रह्म भाव के साधन से उत्पन्न नहीं होता ब्रह्म भाव हमारी स्वाभाविक स्थिति है उसको जो समझ नहीं पा रहा हम उसका प्रतिभा तो घटाने के लिए साधन यदि मुक्ति भी यदि साध्य होता तो मुक्ति भी कर्म फल की तरह अनित्य होता तो हम इसके लिए प्रयास ही नहीं करते इसके लिए प्रयास ही नहीं करते भी कर्म फल होता स्वर्ग फल में मूल्य प्राप्ति करेंगे तो क्यों प्रयास करेंगे इसलिए यहाँ पे शब्द प्रयोग करना खूब सावधानी से प्रयोग करते हैं आप देखिए यहाँ पे कहते थे ब्रह्म प्रतिपत्ति आलम्बनी भगवत ब्रह्म बोध के लिए आलम्बन जैसा बन जाता है तथा च बक्षति इसको स्वयं मान्य कार्यकार अपने आप बोलेंगे आश्रम त्रिविधा हीना उत्तम मध्यम हीन मध्यम उत्तम है ना वो उपदेश श्रुता इसके अंदर उपदेश का अर्थ अनुकंप है उन लोगों की उपदेश का मैं नंबर बताया था आपको 316 में आइए पहले दिन मैं बताया था अष्टम त्रिविधा ये जो कोटेशन दिया हुआ
इसी मांडुक कारिका में आ रहे हैं। तथा च बक्षति, यहाँ पे मांडुक कारिका आगे बोलेंगे, उन्हें आगे बोलेंगे। ये 156 की 159 में बताया 153 हाँ पेज नंबर कारिका 16 कारिका 16 316 में सेकंड लाइन बताया था। अष्टम अति विदाहीन मध्यम उत्कृष्ट दृष्ट उपासन उपदिष्टम तदर्थम अनुपंच श्रुति जो है उनके प्रति कृपा करके अनुग्रह करके बोला ना, भगवान छोड़ते नहीं है परंपरा विद आचार्य ग्रहण किसी को नहीं छोड़ते, सबको लेकर चलने के लिए रास्ता बताते हैं। अनुकंपा करके उपनिषद के बारे में जो उपासना है उसको भी कथन है। अब देखिए इतने के ऊपर टीका देखिए, उत्तम अधिकारिणा ओंकार द्वारेण परिशुद्ध ब्रह्म आत्म ब्रह्मात्म ऐक्य विधान और पुनरावृत्ति लक्षण फलम उत्तम। ठीक है ना, क्या कहा कि उत्तम अधिकारी के लिए उपासना के माध्यम से उत्तम अधिकारी को प्राप्त करके ओंकार द्वारेण ओंकार के माध्यम बना करके परिशुद्ध ब्रह्म आत्म ऐक्य विधान ओंकार को माध्यम बना शुद्ध ब्रह्म ही मेरा पारमार्थिक स्वरूप है इस प्रकार जानने वालों का और पुनरावृत्ति लक्षण फलम फिर जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आता है इस प्रकार लक्षण के द्वारा लक्षित होता है जो फल वो फल के बारे में कथन कर दिया। आप क्या करना चाहते हैं, आप यह हमारा तो प्रश्न हो गया, इदानी मंदानाम मध्यमानाम च कथम ब्रह्म प्रतिपत्ता फल प्राप्ति रीता सकते तो मंद और मध्यम अधिकारी के लिए क्या करेंगे, उनको कैसे लाभ होगा। इसलिए बोलते हैं इदानी आप मंदानाम मध्यमानाम च मंद और मध्य अधिकारी मध्यमेशु तारतम्य विवक्षित आह मध्यमाना मतलब मध्यम अधिकारी में भी तारतम्यता है मंदम में भी तारतम्यता है मंदाना मध्यमाना विधि तथा च तत्वज्ञान समर्थाना मध्यमाना विधि अविरुद्धमित अविरुद्धम मतलब क्या होगा। मैं पहले बोला था कि मंद मतलब केवल कर्म करने अच्छा लगता है उपासना भगवत चिंतन और मध्यम अधिकारी क्या है कर्म करते करते थोड़ा थोड़ा उपासना करने के लिए इसलिए थोड़ा थोड़ा सामर्थ्य आ रहा है। इस प्रकार व्यक्ति को कैसे ज्ञान मार्ग में लगाना है कैसे भगवान भाष्यकर की इस पंक्ति को पढ़ते ना आपको लगता है देखिए कितना आगे की दूरदृष्टि थी, उपनिषद भाग समाप्त हो गया, असामान्य व्यक्ति भी इस मार्ग में कैसे लगे यही हमें भी यही चीज करना है जीवन में यदि कुछ करना है साधु करके यही चीज करना है जो परंपरा से हमने प्राप्त किया उसको प्रकट किया ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए हम भी थोड़ा प्रेरणा बन सकें। नहीं तो ये ज्ञान मार्ग ही बंद हो जाएगा, सन्यासी लोग होंगे ही नहीं, अब होने पर भी ज्ञान मार्ग को कठिन लगता है समझ में नहीं आता है, इसीलिए हमारे अंदर जो ये भाव हम रहा पाते हैं आर्द्रता स्निग्धता अभिद्धता वो दूसरे को प्रेरणा देता है। कोई व्यक्ति देख कर क्या जी हाँ देखो कितना प्रसन्न चित्त जैसे बोला ना वो जो जब सत्यकाम जाबाल गुरुकुल में आया अरे तुमको तो जैसा एक ब्रह्मविद्या जैसा खुश लग रहा है क्या बात सत्य का रूप से है तुमको तो खुशी ब्रह्मविद्या चला गया कहीं ऐसे हमारे अंदर भी ब्रह्म चिंतन करते करते ये भाव चेहरे में एक्सप्रेस होता है लगेगा क्या प्रसन्न जीवन जी रहे हैं लोग दुखी होकर के जीता है और सन्यास खुश होकर के जीता है क्या बात है क्या भी इसलिए तथा चक्ष्यति अष्टम त्रिविधा विनय इदानी मंदाना मध्यमाना च कथम ब्रह्म प्रतिपत्त्या कैसे ब्रह्म भाव को प्राप्त करके फल प्राप्ति व्यापकता के भाव को प्राप्त कर सकते हैं मतलब जन्म मृत्यु के बंधन से छूट सकता है यदि आशंक ऐसा शंका उठा करके कहते हैं आह मंद मध्यम धियम जो प्रतिपत्त साधक भावानाम सन्मर्गामी नाम संन्यासी नाम ठीक है ना। यहाँ तक देखिए एक साधक को भगवान भाष्यकर कैसे धीरे धीरे ऊपर उठाए कैसे धीरे धीरे ऊपर उठाए मात्रा पा फिर क्या करना पड़ेगा कि भेद दृष्टि को मात्रा पात का जो भेद था अब धीरे धीरे भेद दृष्टि को मिटाना है। भेद दृष्टि बंधन का हेतु है दुख का हेतु है मात्रा पादा शब्दों के द्वारा लक्षित समस्त भेद बुद्धि को मिटाना है अतिरिक्त सामान्य विधान तथागत उपासना जैसे आपने कहा ऐसे उपासना करने पर ओंकार को अवलंबन लेकर के ओंकार ब्रह्म प्रति प्रत्ये आलम्बन ही बन उसके लिए आलम्बन बन जाता है। अब देखिए वहाँ पे इस प्रकार से क्या होता है तेषाम अपि क्रम मुक्ति अवरुद्धि थी अर्थ ठीक है वो जीवन मुक्ति का आनंद नहीं ले पाएगा पर क्रम मुक्त तो हो ही जाएगा उनका उपासना चिंतन उपासना के बल स्वरूप ब्रह्म लोग आप कोई फल तो चाहता नहीं सन्यासी को दिए दिया मतलब संबंध छोड़ दिया आपने भले अच्छा सारा छोड़ दिया फल पर क्या हो जाएगा कि आप क्रम मुक्ति को प्राप्ति कर ही जाएंगे इसमें कोई विरोध नहीं है तेषाम अपि क्रम मुक्ति अविरुद्ध इति अर्थ तत्रैव वाक्यशेष वाक्य शिष्य अनुकूल्यम कथयत शब्द को देख कर समझेंगे तत्व तद्धित शब्द है अनुकूल
और अनुकूलता के जो भाव उसको बोलते हैं अनुकूल्य। इसलिए वहाँ पे देखिए वाक्य शेष उसके बाद यदि आप अनुकूल है कि अनुकूल आ है कि अ है कैसे निर्णय करेंगे, ये आगे देखो अनुकूल्य प्रत्यय लगाओ ना तद्धित है। कल जो मैं बोलता ना कि ये शब्द तद्धित लगे पांचजन्य पंचजन है वहाँ पे जो ये तद्धित होना चाहिए आदि उसको वृद्धि हो जाएगा या तो यत आदि कुछ लगा रहेगा तादात्म्य तद्धित है। आगे की वाक्य आगे जो बोलने जा रहे हैं उसकी अनुकूलता अपने होते तत्व इस विषय में मतलब ये लोग उपनिषद में ही मतलब ये उपासना के बारे में कथन किया है। इसको भी ग्रंथकार अपने आप कहें यहाँ पे यद्यपि सृष्टि करना मतलब सिद्ध क्या करना चाहते आजाद बात फिर भी उपनिषद सिद्ध जो हमारा उपासना है उसको निषेध नहीं कर रहा है। मध्यम अधिकारी मध्यम अधिकारी अनुकूल कथयति अनुकूलता के जो भाग है उसके यहाँ पे ग्रंथकार अपने आप कहता था त्रिविध अधिकारिणी एवं मतलब तीन प्रकार के अधिकारी है इस विषय में हमारे ग्रंथकार भी बोलेंगे उपासना के माध्यम से। सन्यासी जब एक वचन में आएगा तो दीर्घ यहाँ पे सन्यासी नाम से प्रातिपदिक है सन्यासी धातु है निनी प्रत्यय लगा दोनों निनी में दोनों इकार आपका ह्रस्व इकार है सन्यासी में ह्रस्व हो सन्यासी वो हो गया आपका प्रातिपदिक वो ह्रस्व इकार है फिर उसका ह्रस्व इकार है परंतु जब उसका प्रथम एक वचन मतलब सन्यासी जैसे दंडी दंडी शशीन शशी इस प्रकार फिर बाद में तो सन्यासी नौ सन्यासी ना ऐसा बनता है सन्यासी नाम आम प्रत्यय जुड़ता जाता है। और उसको जो हे सन्यासी को क्या बोलते हैं हे सन्यासी क्या बोलते हैं। इस प्रकार से मांडू का मूल मंत्र भाष्य टीका समाप्त है ना। अब देखिए इसके ऊपर हमारा टीकाकार क्या बोल रहे हैं इसके ऊपर सॉरी बोल महाराचार्य क्या बोल रहे हैं यहाँ पे जैसे पूर्ववत है ना पूर्ववत अत्र श्लोका भवंती भाष्यकार लिखा है पहले जैसा इस विषय में पहले मतलब जैसे छह मंत्र बोलने के बाद कुछ कार्य का आया था सातवां मंत्र बोलने के बाद कुछ कार्य का आया था फिर आठ नौ दस ग्यारह बोलने के बाद कुछ कार्य का बारहवां मंत्र बोलने के बाद फिर कार्य पहले जैसा हुआ इसी प्रकार से यहाँ पे कहना चाहते हैं। तो पूर्ववत अत्र श्लोका भवंती पहले की तरह यहाँ भी कुछ विशेष लोग गौरपादाचार्य बोलना चाहते हैं टीकाकार लिख रहे हैं यथा पूर्व आचार्येन श्रुत्यर्थ प्रकाशकः श्लोका प्रणीतः ठीक है ना जैसे पहले में आचार्येन कौन होगा गौरपादाचार्येन श्रुत्यर्थ प्रकाशक श्रुति के अंदर छुपा हुआ अर्थ है ये है कालिका का विषय है ना ये श्रुति के अंदर जो छुपा हुआ अर्थ है उसका प्रकाश करने वाला प्रकाश कारिका बोलता है शुद्धि जहाँ पे पहले कुछ कहे कारिका आया उसी के अंदर जो छुपा हुआ अर्थ है उसको प्रकाश करने वाला उसको कारिका कुछ विशेष अर्थों को पहले क्योंकि आपने स्वतंत्र नहीं है कारिका किसी का ऊपर कारिका लिखा जाता है मतलब पहले कुछ कथन कारिका आया उसमें कुछ अपने वार्तिक भी ऐसे है उक्त अनुक्त दुरुक्त तो जहाँ पे पहले बोला भाष्य को वार्तिक होता है और मूल के ऊपर कारिका यथा पूर्व आचार्य श्रुत्यर्थ प्रकाशक श्लोक प्रणीता पूर्व आचार्य के मन गौरपादाचार्य के द्वारा श्रुत्यर्थ का प्रकाश करने वाला श्लोक प्रणीता मतलब प्रणयन किया गया तथा ठीक इसी प्रकार उत्तरे अपि बारह मंत्र के ऊपर भी अपि श्लोक श्लोक है श्रुत्या उक्ति अर्थ में श्रुति ने जिस विषय को कहा उस विषय में प्रकाश करने वाला एवं संभवत उस विषय में भी कुछ प्रकाश करने का संभव है इसलिए गौरपादाचार्य यहाँ पे लिखते हैं पूर्ववत पूर्ववत अत्रेति श्लोक ठीक है आप मंत्र को पढ़ लेते अत्रेति गौरपादी श्लोक ओंकारं पादशो विद्यात् ओंकारं पादशो विद्यात् पादा मात्रा न संशयः पादा मात्रा न संशयः ओंकारं पादशो ज्ञात्वा ओंकारं पादशो ज्ञात्वा न किञ्चिदपि चिन्तये न किञ्चिदपि चिन्तये दो जगह पर श्लोक संशोधन करना ओंकार मैं पहले एक मिनट इसको संशोधन करने के बाद फिर पढ़ते हैं। पहले पद में लाइन में लिखा है ओंकारं पादशो विद्यात् पादा मात्रा न संशयः ठीक है द्वितीय लाइन में
ओंकारम पादशो ज्ञात्वा, ओंकारम में बिंदी नहीं है, ओंकारम में बिंदी नहीं है, है पुस्तक में किसने लगाया होगा, रॉ का ऊपर जो बिंदी है, रॉकार के ऊपर ऊपर भी चाहिए नीचे भी चाहिए, अरे दो लाइन है ना वहाँ पे, पहले लाइन में चाहिए दूसरा, पहले में था दूसरा में लगाया गया, हाँ जिसमें नहीं लगाया गया लगा है, जिसमें नहीं लगा फिर जो है ओंकारम पादशो ज्ञात्वा, एक नौ चाहिए वहाँ पे, नौ बैठा मतलब ज्ञात्वा के बाद नौ एक लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, कर दिया ना, चाहे लाइब्रेरी का पुस्तक हो चाहे अपना पुस्तक, संशोधन करना हमारा काम है। तो अब फिर श्लोक ओंकारं पादशो विद्या पादा मात्रा न संशयः, ओंकारं पादशो ज्ञात्वा न किञ्चिदपि चिन्तये, ओंकारं पादशो विद्या पादा मात्रा न संशयः, ओंकारं पादशो ज्ञात्वा न किञ्चिदपि चिन्तये। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे साधन के लिए कि क्या बोलना चाहते हैं, ओंकारम पादशो विद्या, ओंकार में क्या है मात्रा, ओंकार की जो मात्रा है उत्पाद के साथ मिला करके उपासना करे, ओंकारम पादशो मतलब अकॉर्डिंग टू द पादा विद्या जानना चाहिए, मतलब उपासना करना चाहिए, क्यों पादा मात्रा न संशय है ना, ओंकार परमात्मा की प्रतीक है, जो ओंकार की अकारी मेरा जागृत अवस्था इस प्रकार भावना आपको कितना ईश्वर पुत्र में लाएगा कि नहीं लाएगा, आर्जन तला देगा आपके अंदर ये भावना, केवल इतना भावना ही आपके अंदर आर्जन तला देगा, आर्जता जो है ना बोला कि झलक के अंदर ये योग्यता आना चाहिए, नहीं है मैं मंद मंद अधिकारी हूँ, पर तो केवल ओंकार की जब चिंता करेंगे, ओंकार क्या है तीन मात्रा वाला है, अकार उकार मकार, जागृत स्वप्न सुषुप्त हम अनुभव में आता है, हमारी जागृत अवस्था है परमात्मा की अकार, धीरे धीरे आपके अंदर जो इसने ना किसी भी साधक को कभी भी मतलब हम उपनिषद भी देखा, कोई गुरु किसी को धिक्कारा फुदकारा नहीं है, हमेशा उसका आश्रय देकर कहा ठीक है कोई बात नहीं, नहीं समझा ठीक है आपको समझ आए, केवल समझाए फिर पूछते भी है जो बोला समझ में आया कि नहीं आया, हर जगह पे दिखाई पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं नहीं आया तो फिर दोबारा कोशिश करें छोड़ेंगे नहीं, इस जगह यहाँ पे बोलते हैं ओंकार पादश विद्या पादा मात्रा न संशय, जो पादा है वही मात्रा है, क्यों पाद को बैठे क्यों क्या कि जागृत स्वप्न सुषुप्त हमारे अनुभव में आता है, मात्रा ओंकार में कल्पित है अकार उकार मकार, तो उन दोनों को साथ मिला करके जैसे परमात्मा भाग में धीरे धीरे इस प्रकार से जैसे ही आप अकार और आपका जागृत अवस्था वहाँ पे तीन बोला था देखिए पहले तो उसमें बोलकर स्थूल प्रपंच जागृत विश्व, ये तीन मिलकर के अकार है, स्थूल प्रपंच जागृत और विश्व चिंतन ये मिलकर के अकार है, उस प्रकार चिंतन करते करते आप अकार को कहाँ लाए पाएंगे मकार में लाए पाएंगे, अकार को उकार में लाए पाएंगे, मतलब आपका क्या हो जाएगा सूक्ष्म प्रपंच ठीक है ना, और हमारा स्वप्नावस्था और जो जो हमारा तेजस है तेजस इसको लेकर के कहाँ रहता है हिरण में गर्भ में पूरा मन इसको उकार में लाएगा उसको उत्कर्षता भी करना, मतलब उसी के अंदर से जो उत्कृष्ट वस्तु है उसमें उसमें अपने मन को निश्चय लाएगा, जागृत अवस्था में जो भी कोई वस्तु देखा साधन किया उसमें जो भाव उत्कृष्टता है उसके साथ अपने कर्तव्य जाएगा, ओंकार और पादश विद्या में आ जाएगा, और थर्ड स्टेप में क्या कहेंगे फिर आकार उकार को जो उसका बीज अवस्था में उसका बीज अवस्था में रहेंगे, जिस प्रकार सुषुप्त जागृत में बैठ करके सुषुप्त अवस्था को सोचना, सुषुप्त अवस्था में क्या होता है हमारा स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों से ताकत मतलब जुड़ जाता है, परंतु हमारा अज्ञान का बीज रह जाता है, वो विषय रूप में ऐसा चिंतन करते हैं, जागृत स्वप्न मतलब स्थूल शरीर के साथ तादात्म्यता छोड़ करके और कुछ दिन तक ये अभ्यास करना पड़ेगा, सूक्ष्म वृत्ति को भी दृष्टि दृश्य बनाना, सूक्ष्म वस्तु मनोवृत्ति को जैसे जैसे आप दृश्य बनाते जाएंगे तो ये दृश्य हो जाएगा आप दृष्टा हो जाएगा, और दृश्य का बीज रह जाएगा अपना बीज नाश नहीं होगा, इस जागृत सुषुप्ति में जब आप बैठेंगे मतलब जागृत में जब सुषुप्ति में आएंगे तब क्या हो जाएगा कि आपका स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से तादात्म्यता जुड़ेगा, मतलब स्थूल शरीर से जो तादात्म्य करने के लिए जो अज्ञान का बीज वो तब तक नाश नहीं होगा, नाश नहीं फिर हम उठकर के भाव बढ़ते हैं कोई बात नहीं मानना नहीं आपको, फिर धीरे धीरे मकर से भी वो मात्रा और पाद को हटा के निर्विशेष करते हैं, एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है
ओंकार भी अपरक्ष अनुभूति भगवान भाष्यकार बोलते अपरक्ष अनुभूति वहाँ पे क्या बोलते हैं ये पादा मात्र न संशो ओंकार पादश ज्ञात्वा न किंचित अपि चिन्तय आप जैसा जैसा भावे अपरक्ष अनुभूति होते हैं भाव वित्ता ही भावत्तम शून्य वृत्ता ही शून्यत्तम कि पूर्ण वृत्ता ही पूर्णत्तम तस्मात् पूर्णत्तम अभ्यसे अपरक्ष अनुभूति तुम भावात्मक रूप में चिंतन करोगे तुम उस जैसे तुम भाव को ऐसा कर तू भाव वृत्तिया ही भावत्तम शून्य वृत्ता ही शून्यता यदि शून्य शून्यता ही पक्त कर पूर्ण वृत्ता ही पूर्णत्तम तस्मात् पूर्णत्तम भाव अभ्यास इसमें पूर्णता की अभ्यास पूर्णता की अभ्यास ये जो है पादा मात्रा अप्रशन अप्रशन होती है पादा मात्रा न संशय पादा मात्रा इस प्रकार से अभ्यास करते करते ओंकार पूर्णता की ओंकार मतलब शुद्ध पूर्णता असंग अकर्ता भक्त पूर्ण ये बार 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 मन में घर बैठे फलत क्या हो जाएगा न किंचित अपि चिन्तय इसके भिन्न दूसरा कोई उपनिषद में एक मंदिर मुंडक उपनिषद में जस्मिन् द्वौ पृथिवी च ओतम मनसे प्राणिश्च सर्वं तमेव एकं जानथ आत्मानं अन्ना वाचा विमुञ्च त्वं वितस्यसेतु उस एक जिसमें संपूर्ण पृथ्वी गुथा हुआ है मन से प्राण सब गुथा हुआ है मतलब बाहरी प्रपंच अंदर ने प्रपंच सब गुथा हुआ है तमेव एकं जानथ आत्मानं उसी एकमात्र आत्मा को जानने का कोशिश करे शिष्य उसी को जान जानता आत्मा अन्ना वाच विमुंचत अन्न बात को अन्न बिजली का बाहरी व्यापार करना ये सब छोड़ ये न किंचित अपि चिंतय और बाहरी कोई जागतिक जागतिक वस्तु संबंधित चिंता मत करे वास्तविक चिंता मन में आना है ईश्वर चिंता भगवत चिंता और फिर जो है इसी से हमारे दूसरे के हित कल्याण कर इतना ही मात्र इस न किंचित तमेव एकम जानत आत्मान अन्न वाच विमुंचत श्रुति बोलते हैं क्यों अमृत से इस सेतु इस अमृतत्व को तुम प्राप्त करना चाहते हो ना सेतु मत कर दो ब्रिज यू कैन इजीली क्रॉस दिस टर्बुलेंट ओशन ऑफ दिस संसार दिस इज द ओनली ब्रिज अमृत इसको लेकर को ब्रह्मसूत्र में भी आया ब्रिज मतलब क्या तो आपका द्वैत तो हो गया आपका ब्रिज मतलब क्या होता है एक बार ये उस बार अपने द्वैतों को मान्यता दे करके बोला प्रयोग किया गया है यहाँ पे कुछ दो वस्तु है ही नहीं एक ही वस्तु है यहाँ पे कुछ सेतु भी मतलब यह है कि साधन में ही अपना यही आपको जन्म मृत्यु को बंधन को छुड़ा करके अमृतत्व को दे सकते इसी इसको सेतु अमृत शेष्यपी हो गया न किंचित अपि चिंत इसका अर्थ उपनिषद के सारे अंत उपनिषद के सारे जब देखेंगे तो ये विवेचना मन मत हमारे अपरक्ष अनुभूति का इस भाग इसको ध्यान रखना भाव वित्त ही भावत्तम आप एक विद पॉजिटिव थॉट विद पॉजिटिव एटीट्यूड यस आई ऑलवेज एग्जिस्ट भाव चित्त कभी भी मेरा एग्जिस्टेंस का नाश नहीं होता मेरी विद्यमान था कि कभी नाश नहीं होती इस भावना पहले बैठो जैसे जैसे आप दुष्ट में दोष देखने लगोगे ना शून्य अथवा वो दोष अपने अंदर जितना देश दूसरे का अंदर दोष देखने लग जाएंगे उतना दोष अपने अंदर आ जाने लगता है इसलिए उसको देखना शून्य शून्य वृत्ता ही शून्यता दोष वृत्ता ही दोषता लेकिन आपका अंदर दोष देखने के वृत्ति होगा वो शून्य वृत्ता ही शून्य ना के वृत्ति लोगे तुम शून्य में पहुंच जाओगे हर कुछ नहीं लगने वाला पूर्ण वृत्ता ही पूर्णतम जब आप पूर्णता का चिंतन करेंगे तब आपका अंदर पूर्णता की बोध आएगा इसलिए क्या होता है तस्मात् पूर्णतम अभ्यास इसलिए हमेशा अपने पूर्णता के अभ्यास करो ये ना किंचित अपि चिंतता अपनी पूर्णता की अपनी व्यापकता की अपनी असंगता की और कर्तृत्व इसी को चिंतन करो ये सबसे अच्छा इस प्रकार आप बोलेंगे आत्मा की उपासना नहीं होता हमारे यहाँ पे व्यास ब्रह्मसूत्र तृतीय अध्याय तृतीय पद में अक्षर ध्याधिकरण अक्षर ध्याधिकरण में दिखाएगी निषेधात्मक रूप से आत्मा को उपासना होता है सामान्य अधिकारी के निषेधात्मक रूप से मैं ये नहीं हूँ मैं असंग हूँ मैं पूर्ण हूँ मैं व्यापक हूँ मैं कर्ता नहीं हूँ मैं भोक्ता नहीं हूँ इस प्रकार से बार बार चिंतन करता जब कोई भोक्तृत्व बिंदु उठे अरे मन तो कहाँ फंसा रहे हैं मैं भोक्तृत्व मुझे नहीं है ये तो एक मिला मिलीजुली सरकार की बात है ये मतलब जड़ चित्त ने गांठ बांध लिया और फंसाता रहे ये इसका ही प्रति इसलिए देखिए समय हो गया बस ओम नाम पहला वाला आएगा अजम अपि योगम प्राप ऐश्वर्य योगा तापदेकं च विभक्तिमत्याम् तापदेकं यदेकं विविधविषयकर्मणाहि उभये